अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और अभी ये सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं साउथहैम्पटन, तो क्योंकि हमने यहाँ से फेरी लेनी है और फेरी लेके हमने जाना है आइल ऑफ वाइट। तो हम लोग अभी बस निकले ही हैं और हमें रास्ते में बारिश मिल गई। ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग कहीं भी जाएँ और हमसे पहले बारिश आ जाए। तो बस यहाँ वेदर थोड़ा था, हम के बुकिंग हमने 15 दिन पहले करवा ली थी, तो इसलिए फिर हमें अंदाज़ा नहीं था कि वेदर कैसा होगा। तो बस अभी जाएंगे और उसके बाद फिर हमने अलीबाग जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं और फिर फेरी हमें लेके जाएगी आइल ऑफ वाइट। जाएंगे हम लोग और फेरी की जो जर्नी है वो आइल ऑफ वाइट तक 45 मिनट की है। तो बस फिर और अभी हम लोग बस क्यू में लगने जा रहे हैं। चले जी, अब हम फेरी के अंदर जा रहे हैं। और बस गाड़ी जा रही है अंदर की साइड पर और अभी गाड़ी पार्क कर देंगे और उसके बाद जाके 45 मिनट हमने फेरी में एंजॉय करना है। और बस फेरी में बहुत ही मज़ा आया और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि फेरी चल भी रही है, और बिल्कुल ही अलग ही लाइफ होती है अंदर। सब इंजॉय कर रहे हैं, आपस में खाना खा पी रहे हैं सब और बातें कर रहे हैं और फील ही नहीं हो रहा चल रही है। और 45 कैसे गुजर गया हमें पता भी नहीं चला और हमने खूब इंजॉय किया। तो बस बैठ समझो कि बैठे और थोड़ी बहुत बातें की और फौरन आइल ऑफ वाइट आ गया। 45 मिनट फौरन हो जाते हैं। बच्चे ने भी अच्छा खासा इंजॉय किया था। और तो फिर क्या कहते हैं, और बच्चों का ये भी हमें नहीं था कि डर के बच्चे बाहर ना निकल जाए, ये पूरे सेफ थी। और अगर हम लोग गाड़ी की साइड पर गए थे तो ये बच्चों का एरिया था, जो हमने बच्चों को इस साइड पर आने नहीं दिया था। तो बस बच्चों से ये छुपा के रखा हुआ था, बच्चे बस अपने एंजॉय कर रहे थे और बाहर की तरफ देख रहे थे। और उनको तो शार्क भी नज़र आ गई थी, बकौल बच्चों के उनको शार्क नज़र आ गई है। और ये हम लोग आए थे गाड़ी में से कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ रह गया था। तो हम लोग साथ स्टाफ, फेरी का स्टाफ भी साथ आया था, एक लेडीज़ आई थी साथ हमारे, क्योंकि अकेले बाहर अलाउड नहीं था। तो बस हमने गाड़ी से कुछ सामान निकाला खाने पीने के लिए, और क्योंकि ब्रेकफास्ट हम थोड़ा बहुत ही करके आए थे और भूख लग रही थी, खाना खाना था, सैंडविच वगैरह खाए। और उसके बाद पूरी अंदर से पैक और बच्चे आराम से खेल रहे थे और हमें भी कोई टेंशन नहीं थी कि बाहर ना निकल जाएँ, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद बस अब हम यहाँ सैंडविच वगैरह खाए थे और बाहर व्यू देख रहे थे, व्यू देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर का जो फ्लोर था वो ओपन था तो वहाँ जा सकते थे, पर हम लोग नहीं गए। और वहाँ में अंदर से इतना मज़ा आ रहा था कि और 45 जो गुजर जाएंगे और पता नहीं चलेगा। ऊपर की साइड में हम गए नहीं, हस्बैंड गए थे तो उन्होंने हमें वीडियो में दिखाया था, पर हम लोग नहीं गए। तो बस फिर ये अभी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं तकरीबन, क्योंकि सामने आ चुका है आइल ऑफ वाइट। बस यहाँ से निकलते ही हम लोग जाएंगे नीडल, और यहाँ की फेमस जगह नीडल और जो बहुत अच्छी थी। और अभी हम लोग वहाँ से जाएंगे। यहाँ से वहाँ तक का सफ़र था कितना, 45 मिनट का लग गए थे हमें, तो वो भी अच्छा खासा दूर था। और जैसे लेक डिस्ट्रिक्ट में रोड थी, ऊपर नीचे सारा लगता है पूरा यूके ही ऐसे बना हुआ, और यहाँ भी सेम वही रोड थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम लेक डिस्ट्रिक्ट आ गए, तो बिल्कुल सेम थी। और हवा भी बहुत चल रही थी जो हमें गाड़ी में फील नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और बस गाड़ी से जैसे ही उतरे और पता चल गया था कि हम उड़ने वाले हो गए थे आगे चल के, अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट की तरह की रोड्स लग रही हैं। और यहाँ तो मुझे बिल्कुल वही लगा था क्योंकि ऐसी बिल्कुल रोड्स लेक डिस्ट्रिक्ट में भी आई थी। तो बस अभी हम लोग बस जा रहे हैं, काफ़ी दूर लगा सुबह सुबह में, हमने अच्छा खासा सफ़र कर लिया था अच्छा खासा सुबह में। तो बस फिर अभी हम तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, इधर कोई भी नहीं आया था, हम बहुत अर्ली पहुंच गए थे, तो वो भी अपने सब कुछ क्लीन वगैरह कर रहे थे, जो कुछ यहाँ चीज़ें थी और डायनासोर वगैरह थे सब क्लीन कर रहे थे, और हम लोग पहले सबसे पहले पहुँच गए थे। और क्योंकि हमारी 7 o'clock तो फेरी का टाइम था, उसके बाद इतनी मॉर्निंग में अर्ली तो कोई भी नहीं आता अर्ली मॉर्निंग में, और हम लोग ही आए थे बस। और कोई, और ये जो थोड़ी बहुत कार्स खड़ी है ना, ये यहाँ के स्टाफ की थी और इसके अलावा कोई भी नहीं थी, फैमिलीज़ वगैरह कोई नहीं थी, और हम लोग ही आए हुए थे। और हम लोगों के आने के बाद फैमिली स्टार्ट हुई थी, आना शुरू हो गई थी।
और यहाँ जैसे ही उतरे और हवा ने ऐसा हमें उड़ा उड़ा के फेंका है, बहुत ही ज़्यादा हवा थी। और जो हम लोग अच्छी खासी तैयारी करके आए थे, बाल बाल बना कर आए थे, सारे हमारे उड़ दिए। बहुत ज़्यादा हवा थी, ठंड भी ज़्यादा लग रही थी, तो क्योंकि हम गाड़ी में पैक थे, जैसे ही उतरे तो ज़्यादा ठंड लगी। फिर ऐसा था वेदर सही था क्या, और तरफ के फिर ठंड थोड़ी हमें कम लगने लगी, क्योंकि हम लोग यहाँ चल फिर रहे थे, तो उसके वजह से फिर हमें ठंड इतनी फील नहीं होती जितनी हवा बहुत ज़्यादा थी फिर भी। और फिर हम लोग अभी देख रहे थे, कोई भी नहीं है हमारे अलावा, और लोकेशन बहुत अच्छी थी, और जो रियल में देखने में मज़ा था ना, वो कैमरे में इतना अच्छा आ नहीं रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसके बाद हम लोगों ने नीचे जाना है, क्योंकि चे लिफ्ट अभी क्लोज थी, तो इसलिए हमें स्टेयर से नीचे जाना है। और बहुत ज़्यादा थी, इतनी ही और नीचे थी, और क्योंकि बीच तक जाने के लिए नीचे इससे भी ज़्यादा थी, डबल थी, तो बहुत मुश्किल से हम लोग नीचे गए हैं बच्चों को पकड़ पकड़ के, क्योंकि बच्चों ने तो भागना था, और जाहिर सी बात है बच्चों का तो ध्यान रखना था, क्योंकि इधर उधर पानी में ना चले जाए, तो इसलिए हम लोगों ने उनके हाथ पकड़ पकड़ के आराम से नीचे आए। और ये चिल्ली को हम हसरत से देख रहे थे, जो इसमें हम ना बैठ सके। और फिर बाद में नीचे आने के बाद चिल्ली स्टार्ट हुई थी, तो ये लोग जो मैं शानिशाल और मेरी फ्रेंड थी और बच्चे थे, तो वो लोग तो चले गए और मैं रह गई, मैं अरुष हस्बैंड ने बैठने नहीं दिया, हस्बैंड ने कहा नहीं हवा बहुत है डर लगेगा ना बैठो, तो फिर मैं बैठी नहीं, शानिशाल तो चले गए। तो उसके बाद मैं हसरत से देखती रही और मेरी ख्वाहिश दिल में ही रह गई कि मैं नहीं बैठी इसके अंदर। और हम लोग बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचे हैं, और अभी यहाँ पर क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था, ऊपर आना ईजी नहीं था, बहुत हार्ड था। तो फिर इसके बाद अभी बच्चों को ये यहाँ पर इंजॉय करवा रहे हैं, इसके बाद बहुत भूख लग गई थी, इतनी स्टेज चढ़कर ऊपर आई थी, तो मुझे तो बहुत भूख लग गई थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाना है, और खाना खाने के लिए अभी टेबल को देख रहे, सारे वेट हो रहे थे, क्योंकि वह बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही थी, तो इसलिए वो सारे वेट हो रहे थे। तो बस सभी बस खाना खाने के लिए टेबल ढूंढ रहे हैं और खाना खाएंगे। खाना हम लोग घर से बना कर आए थे, यहाँ से लिया नहीं था, यहाँ पर हलाल नहीं था, तो हम लोग अपना ले कर आए थे, तो हम अच्छा खासा बना कर ले आते हैं, जो हमारा काफ़ी टाइम तो चलता है, 2-3 बार हम खा ही लेते हैं। तो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, और आते जाते मैं चेयर लिफ्ट को देख रही थी हसरत से कि मैं इसमें नहीं बैठ सकी, और मैं बार बार कहने पर हस्बैंड ने कहा चलो बस एक बार बिठा ही दे तो पता चल जाएगा ताकि, तो बस फिर अभी यहाँ अरुष को हमने कहा चलो अरुष इंजॉय करती है, तो हम लोग जाते हैं चेयर लिफ्ट की तरफ जाते हैं। तो अभी अरुष यहाँ पर इंजॉय करी, और मैं और मेरी फ्रेंड और शानिशाल तो दोबारा बैठ गए थे, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, तो बस इनको यहाँ पर एंजॉय कराएंगे और हम दोबारा चल जा के, दोबारा नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम ही बैठूंगी जाकर। ओह माय गॉड, चल ईशान, ये तो इसकी और फाइनली मैं चेयर लिफ्ट पर बैठ गई और नीचे की साइड पे जा रहे अभी। और फिर हम लोग यहाँ नीचे उतरे नहीं थे और दोबारा वापस ऊपर की साइड पे आ गए, और बहुत ही मज़ा आया, पर हवा ज़्यादा थी और जितना मैंने सोचा था डर लगेगा उतना लगा नहीं। और चेयर लिफ्ट जब बैठ जाते ना तब हिलती नहीं है हवा से, क्योंकि वेट ही अच्छा खासा होता है, तो हिले कहाँ से बेचारी, बस हमारे हाथ हिल रहे थे जब मोबाइल पकड़ा हुआ था, और मुझे ये डर लग रहा था कहीं मेरा मोबाइल ही ना नीचे चला जाए, तो बस इसकी वजह से हम थोड़ा एहतियात कर रहे थे कि मोबाइल सेफ़ रहे, और मोबाइल चला जाता तो फिर मिलता भी ना। तो बस फिर हम बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया।
और अब हम लोग आ चुके थे दूसरी जगह पर। यहाँ पर भी फेरी चलती थी, ये भी फेरी थी पर ये छोटी वाली थी, और ये इतनी मट्टी उड़ाकर गई है कि बस हमारा अच्छा, हमने पहले अच्छे पाउडर लगा के गए थे और इसने मज़ीद पाउडर लगा दिया हमें। और क्या कहते हैं, पहले तो हम मज़े से इसको देखने के लिए गए, जब इसने मट्टी जो उड़ाई और वहाँ से भागे हम लोग, तो बस फिर यहाँ इंजॉय करने के बाद फिर हमने सोचा हम कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी वापसी की जो टिकट थी ना वो 8:30 की थी और रात की। तो फिर हमने हस्बैंड से कहा यहाँ तो कुछ और है नहीं देखने के लिए, सबसे अच्छा जो है ना वो नीडल ही है और चेयर लिफ्ट पर बैठना बहुत ही मज़ा आता है। तो क्या कहते हैं, जितना सोचा था वैसा इतना डर लगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो अगर मैं शायद ना बैठती तो मेरे दिल में हसरत रह जाती कि मैं नहीं बैठी। तो पर यहाँ चेयर लिफ्ट पर बैठ के मैं बहुत मज़ा आता है, और तो बस फिर वो सबसे अच्छा है नीडल, और उसके अलावा कोई इतनी यहाँ ख़ास चीज़ नहीं थी। और मैंने कहा टाइम यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम लोग वापस चले जाते हैं। फिर हम लोगों ने फेरी वालों को कॉल की, तो उन लोगों ने कहा आ जाए स्पेस है इसमें, तो फिर हम लोग चले गए। और अभी हम लोग बैठ चुके हैं फेरी में, और तो बस अब यहाँ से अरूज को मैंने फ़िश एंड चिप्स ले दिए थे जो बहुत एक्सपेंसिव थे, बस लेकर देने थे 13 pounds के थे, तो बस इतने ज़्यादा नहीं थे, बस नॉर्मली थे, तो इसको फिर खाने थे क्योंकि अभी हमारा यहाँ से 2-2.5 hours का सफ़र था। तो यहाँ से हमने साउथ हैम्पटन जाना था, और उसके बाद फिर हम लोगों का 1.5 hours का सफ़र था, और तो फिर इसलिए मुझे उसको लेकर देना पड़ा था ताकि वो रास्ते में उसको भूख ना लगे। और बस फिर अभी हम लोग जाने लगे हैं, और ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।